हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RVS ANIME HINDI। वन पीस मांगा चैप्टर 1031 का स्पॉइलर आ चुका है और आज अपन लोग स्पॉइलर को लेकर के बात करने वाले हैं। तो जो लोग एनिमे वॉचर्स है कृपया करके दूर रहे, और जो मांगा रीडर्स है जिनको स्पॉइलर से फर्क पड़ता है कृपया करके वो लोग भी दूर रहे। तो खैर, मांगा के अगर मैं स्पॉइलर की बात करूं तो इस चैप्टर का टाइटल होने वाला द वॉरियर ऑफ साइंस। टाइटल तो ऑफिशियली कंफर्म्ड हुआ नहीं है, लेकिन ये चैप्टर का टाइटल देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये वाला टाइटल जो है पूरी तरह से सांजी के ऊपर बेस्ड होने वाला है। स्पॉइलर का पहला पॉइंट निकल के आता है द अवेकनिंग ऑफ द डेविल फ्रूट इज अ गिफ्ट, जो कि 100% ट्रू है। मैं इस पे कोई बात नहीं करने वाला। खैर, सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। लॉ आस्क किड हाउ मच मैग्नेटिज्म ही कैन गिव बट किड डजंट आंसर। भाई मतलब तुम देख रहे हो किड का घमंड, मतलब ये बंदा एक अलग ही एटीट्यूड में रहता है, रिप्लाई ही नहीं देना बंदे को, जिसके वजह से तू अपने डेविल फ्रूट को अवेकनिंग करके तुम बिग मॉम को इतना सारा जो अपना जो पावर दिखा पाया है और उसी को वो जो है इग्नोर मार देता है। खैर क्या ही कहने। बिग मॉम यूजेस 1 ईयर ऑफ हर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन हर सेल्फ टू बिकम स्ट्रॉन्गर एंड बिगर। अब देखो यार, इन दोनों में उन्होंने अपना डेविल फ्रूट अवेकनिंग किया, तो अब योंको को भी तो अपना बवाल तो दिखाना ही पड़ेगा ना। लिलिन क्या करती है, अपने लाइफ का 1 साल वो निकालती है अपने डेविल फ्रूट से और उसको अपने साइज को बड़ा और अपने पावर को ज्यादा ताकतवर करने के लिए यूज कर देती है। साथ ही साथ सी ऑल्सो गिव्स लाइफ टू सेवरल होमीज इंक्लूडिंग नेपोलियन। और ये चीज ना होना ही था, क्योंकि यार अगर उसका साइज बढ़ेगा तो नेपोलियन का भी तो साइज बढ़ाना पड़ेगा ना, तब ना वो फाइट करते टाइम वो अपने स्वॉर्ड को उतना साइज में यूज कर पाएगी, वरना वो छोटा रह जाएगा और वो अपना साइज बढ़ा दे तो क्या फर्क पड़ेगा फिर। ड्रेक डिक्लाइन एपूस इनविटेशन, जो कि मैं चाहता था, दिल से चाहता था, और ड्रेक ने मना कर दिया, ये बात बहुत अच्छा किया, क्योंकि वरना वो यार किसी का नहीं रहता। पहले ही वो किसी का नहीं था, वो अपने साइड में ही मस्त था, कभी वो मरीन का होता था, कभी वो काइडो का होता था, फिलहाल के लिए लूफी का, और वो फिलहाल के लिए लूफी का ही रहेगा, जिस तरह से उसने ऑफर को ठुकरा दिया। यामाटो ब्रेक्स इनटू द प्लेस वेयर दे आर एंड द नंबर्स फुगा गोज आफ्टर यामाटो। एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या मैं तुमको समझा देता हूँ। यामाटो वो बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने के लिए वो जा रही होती है स्कल के नीचे जो छिपाया गया है। अब वो भागते भागते पहुंच जाते हैं वहां पर जहां पर एक्सट्रैक और एपू है और वहां पर नंबर्स भी होते हैं। अब जब यामाटो वहां पर पहुंचती है तो नंबर्स का एक मेंबर जिसका नाम फुगा है, वो क्या करता है, यामाटो के पीछे जाना शुरू कर देता है। अब बाकी के नंबर्स तो नहीं जा रहा, फुगा ही जा रहा फिलहाल के लिए। द CP0 अराइव्स वेयर रॉबिन एंड ब्रूक आर टू कैप्चर रॉबिन। और ये चीज देखो होना ही था, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमें रेफरेंस दे दिया गया, तो वहां पर दिखा दिया गया था, क्योंकि CP0 को जो 2 मेंबर्स है वो लोग आगे बढ़ रहे थे और ये लोग रॉबिन को ही पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे, और ये लोग अब पहुंच चुके हैं रॉबिन को पकड़ने के लिए। अब आगे क्या होगा देखते हैं, यहाँ पर क्या फाइट होगा या फिर ये लोग दोनों बच के बाहर निकल जाएंगे वो तो देखना दिलचस्प होगा। द स्पाइस हु वियर मास्क आर ऑन द अनदर लेवल फ्रॉम द रेस्ट। अब देखो यहाँ पर जासूसों की बात की जा रही है, अब ये लोग नेवी के जासूस है या फिर काइडो के जासूस है, इस बात पे मेरे को समझ में नहीं आया। अगर किसी को समझ में आया तो कृपया करके प्लीज यार कमेंट डाउन कर देना, क्योंकि यार जो काइडो के जासूस होते हैं जैसे कि बाओ हांग हो गया, ये लोग अगर होते तो डायरेक्ट वो लिख के आता ना कि बाओ हांग या फिर ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था काइडो का सबोर्डिनेट, लेकिन यहाँ पर स्पाइस कहा गया तो मेरे को जहां तक लगता है CP0 के जासूस होंगे, पर देखते हैं जब मांगा चैप्टर आएगा अच्छे से मेरे को समझ में आ जाएगा। सांजी इज विद अ वुमन हु हैज बीन अटैक्ड, इट सीम्स दैट ही हैज डन इट बट ही इज कंफ्यूज्ड। देखो यार वॉर के बीच में कहां से महिला आके टपक गई, सबसे बड़ी बात ये औरत है कौन। अब देखो कल का मैं बता तू, कल मैं जब ये स्पॉइलर पढ़ रहा था, कल मैं ही स्पॉइलर नहीं पढ़ रहा था, मैं और एनिमल लवर हम लोग दोनों कॉन्फ्रेंस में थे कॉल में, और हम लोग दोनों आपस में कॉल में बात करते हुए स्पॉइलर पढ़ रहे थे, और ऐसा ही हम लोग दोनों ज्यादातर करते हैं। वहां पर मुझे एनिमल लवर ने एक बात बोला कि ऐसा भी तो हो सकता है ये टोक्यो, और मेरा दिमाग भी उधर ही साइड गया, क्योंकि वहीं तुम देखो ना जब आकाजाया 9 मार करके पीट के पड़ी हुई थी नीचे फ्लोर पे, तो वहां पर उनको किसी ने ठीक किया था, एक परछाई दिखाई गई थी, और ये परछाई किसकी थी अभी तक हमें पता नहीं है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है 20 साल पीछे जब तोकी की मौत हुई थी, वो मरी तो नहीं थी, हो सकता है वो जो 20 साल आगे फ्यूचर में आ गई हो जब वॉर चल रहा हो। अब देखते हैं यार क्या होता है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये चीज देखने के लिए कि आखिर वो औरत है कौन। फिलहाल के लिए यार सांजी उसको जो है देखने के बाद उसको लगता है कि वो अपने मॉन्स्टर वाले फॉर्म में आकर के उसने गलती से उसको डैमेज कर दिया, उस पर हमला कर दिया है, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, क्योंकि तुम जानते हो उस पर जज ने एक्सपेरिमेंट किया था, और उसको अब खुद पे डाउट होने लग गया कि आखिर वो अपने भाइयों की तरह तो पत्थर दिल नहीं बन गया, जो औरतों पर जुल्म करना उनको मारने में थोड़ा भी हिचकिचाते नहीं है, क्योंकि अपना सांजी वो बंदा है ना वो कभी भी किसी भी फीमेल पर हाथ पैर नहीं चलाता है।
Sanji wonders if it is because of the Jarma's powers and belief that he can become someone like his brother who do not hesitate to attack woman. जैसा कि मैंने पहले बोला, यही सेम चीज यहाँ पर लिखा गया है कि उसको लगता है कि वो भी अपने भाइयों की तरह बनता जा रहा है और इसी वजह से वो पूरा मतलब खुद ही कन्फ्यूज है यार कि हुआ क्या एक्चुअली में, ये डैमेज कहाँ से, उसको लगता है कि उसने डैमेज कर दिया है। सांजी टेक्स आउट द रेड सूट एंड स्विमिंगली डिस्ट्रॉयज इट। भाई ये लाइन पढ़ने के बाद मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कल जब ये स्पॉइलर में पढ़ रहा था उसी के ठीक एक घंटे पहले बिहारी ओटाकू बंदा वीडियो अपलोड करता सांजी के फ्यूचर पावर को लेकर के, और वहां पर वो कहता है कि 99% श्योर है कि सांजी रेड सूट के फुल पावर को यूज करेगा, और ऐसा लगता है कि ओडा ने उसकी बात को सुन ली, बोलता है रुक जा बेटा बताते हैं तुमको, 99% ना 0% चांस है ये देख। भाई ये जब मैं पढ़ रहा था ना मैं बहुत ज़्यादा हंस रहा था, बंदा मतलब एक घंटे पहले मेहनत करके वीडियो बना के अपलोड करता है और ओडा उसके इरादों पे पानी फेर देता है। भाई ओडा के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, मतलब ओडा के आने वाले चैप्टर्स को प्रेडिक्ट करना भाई बहुत ज्यादा मुश्किल है यार, वो बंदा क्या से क्या कर देता है, मतलब तुम सर चकरा जाएगा। इसके बाद सांजी क्या करता है, डेनडेन मुसी से जोरो को कॉल करता है और उसके बाद उसको कहता है कि वो अपने फुल पावर को यूज करने जा रहा, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो काइडो के साथ फाइट होने के बाद वो उसे जान से मार दे, जो कि ऑब्वियसली बातें होने नहीं वाला है। यहाँ पर मेरा एक डाउट रह गया, पिछला चैप्टर अगर तुम्हें याद होगा तो वो यार किंग के साथ तलवार सटा रहा था ना, और वो अचानक से वो कॉल में बात करने के उसको टाइम कहाँ से मिल गया, क्या उसने कहा रुक जा किंग कॉल में बात कर लेने दे, मेरा पार्टनर बात कर रहा है उससे बात करने दे, फिर हम लोग दोनों आपस में फाइट करेंगे। खैर देखते हैं यार क्या होता है। जो फाइनल स्पॉइलर है, सांजी अटैक्स क्वीन विद अटैक कॉल्ड हेल मेमोरीज। अब यहाँ पर हमें एक और नया अटैक का नजराना देखने को मिलता है, जो कि एक न्यू अटैक है और बहुत जबरदस्त हो सकता है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि अब सांजी अपने फुल पावर को यूज करेगा जर्मा के एक्सपेरिमेंट को, और मुझे क्या लगता है कि सांजी पत्थर दिल नहीं बनने वाला। ऐसा भी हो सकता है यार वो पूरी तरह से सांजी क्वीन को हरा दे, उसके बाद जोरो पूरी तरह रेडी हो, चलो अब काटने का टाइम आ चुका है इसको, क्योंकि ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अब तो उसने खुद ही मेरे को ऑर्डर दे दिया है। बट अचानक से वहाँ पर रॉबिन और नामी आ जाएगी, हो सकता है यामाटो भी आ जाए, और उसको देखने के बाद नामी स्वान रॉबिन च्वान करना शुरू कर दे, और ये लौंडा कभी नहीं सुधर सकता, ऐसा भी हमें दिखाया जा सकता है। खैर फिलहाल के लिए स्पॉइलर तो यही तक था। अब ये चैप्टर अगर मैं सही बता रहा हूँ, ये सांजी ने जिस तरह से कांड किया, जिस तरह से यार मतलब पूरे रेड सूट को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब ओडा ने बोला रुक साले तुम लोग थ्योरी बनाते हो ना, तुम्हारे थ्योरी की अभी मैं बजाता हूँ, इस तरह से ओडा ने दिखा दिया। खैर तुम लोग को क्या लगता है क्या होने वाला है न्यू चैप्टर पे, तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, और फ्यूचर में क्या हो सकता है तुम लोग वो चीज़ भी कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर कुछ डाउट रह गया तुम लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक मारना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ऑन कर देना जिससे मोटिवेशन मुझे मिलता रहे, और हाँ यार मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए।